कैसे हो भाई? ओला वाला रेस पे आ गया किसी। अच्छा भाई अंकल जी, देखो भाई इनकी बाइक है, पता नहीं क्या इशू हुआ, इसे खड़े कर ये गाड़ी जल गई। मैं भी अपने जो रिम स्टिकर लग चुके देख। अच्छा आपका आंटी जी को क्या हो गया? हेलो गाइस, तो अभी फाइनली अपने जो है रिम स्टिकर लग चुके, देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं एक्रा पोविक के, और आगे भी तो गाड़ी का लुक पूरा अलग से निखर के आ रहा है भाई, बढ़िया लग रही है गाड़ी। अभी ये जब चलेगी तो इसका जो लुक है और भी निखर के आएगा भाई, और भी सुपर बाइक की फीलिंग देने वाली गाड़ी। वो लाइक टू थैंक मिस्टर फैडी भाई, तो फैडी भाई ने ये यहाँ पे लगाए हुए, बहुत ही अच्छे लगाए भाई। शायद मैं अगर करता तो मैं इतने अच्छी तरीके से नहीं लगा पाता, पर बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस, अपने एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है जिगर भाई, तो वो भाई आज गाड़ी बुक करवा रहे R15 को। रास्ते में बात कर रहे हैं क्योंकि अंदर पेट्रोल जो है ख़त्म हो चुका है, तो पहले पेट्रोल डालेंगे 200 रुपये का पेट्रोल, इससे वीडियो बनती है। हाँ का भी वीडियो बनाना तो बन जाएगा। हाँ आपका भी बन जाएगा, तो कुछ डालना पड़ता है, चालू हो गया ये? चालू है तुम्हारा? हाँ चालू है, वीडियो बनते जाता है। हाँ ये बटन दबाएंगे तो चालू हो जाएगा, आपको भी ले लूँगा, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास पहली बार मैंने देखा है? अच्छा पहली बार देखा बेटा। जॉइंट आता है हेलमेट के साथ? नहीं ये इसको करना पड़ता है, जॉइंट नहीं आता। हाँ कोई बात, कम थी ना हवा, हवा भी डलवा देते शायद बची होगी। आपके लिए गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ यामाहा ब्लू स्ट्रीक के शोरूम पे। अपने सब्सक्राइबर है उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया था कि भाई मैं भी R15 बुक करवा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। हमारे इंडिया में बारिश ठंडी पड़े ना पड़े, गर्मी खूब पड़ती है भाई, उससे तो यूज़ टू होना ही पड़ेगा अपने को भाई। ये क्या करेंगे, कैसे घुसा रहे गाड़ियाँ भाई, ये क्या करेंगे, कैसे चला रहे, कहीं भी घुसा रहे लोग। यार हवा भी कम थी टायर के अंदर, हवा भी डलवा ली है, अभी बढ़िया चल रही है गाड़ी। हॉल है ना, कैसे हो? अच्छे लग रहे ना? 300 रुपीस। चलो निकले वो बंदा, चलो भाई निकलते। तो उनके जो फ्रेंड अभी जो गाड़ी लेके आए, उनको मैंने ऐड किया अपने ग्रुप में आज ही, तो उन्होंने बोला था यार हमको भी राइडिंग का शौक है और अपने व्लॉग देखे हुए तो बहुत एक्साइटेड है अपने व्लॉग में, तो बोल रहे आप मुझे भी ऐड करो, तो मैंने आज उनको ऐड किया है ग्रुप में अपने। एकरा पोविक है मेरे ग्रुप में, बहुत सारे R15 वाले ये सब। अभी मैं खंबात जाके आ, नेजा खंबात। हाँ 12 मार्च को, 12 तारीख को गया था मैं भाई। ओला वाला रेस पे आ गया, कैसी भगा रहा है भाई अंकल जी। ओला वाला बंदा वॉन्ट टू रेस, देखो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है भाई, चल चला जा तू भी भाई आगे। मिलियन माइल्स व्लॉग, कभी मेरा भी दिल करता है कि हम भी व्लॉगिंग करें। अच्छा आपका भी दिल करता है? नहीं अपने पास कौन सी बाइक है आपके पास? बाइक ही नहीं है, पैदल घूमते कैसे रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ले लोगे आप लोग भी। क्या नाम है आपका? तो भाई लोग अपनी गाड़ी देख के रुक गए। हाँ ये वाला है। ब्रदर नाइस टू मीट यू। ओके भाई थैंक यू, थैंक यू भाई, डेफिनेटली व्लॉग देखना डालूंगा, ठीक है? ओके भाई चलो मिलते भाई। गाड़ी थी मेरे पास वर्जन 4। अच्छा तो कहाँ बेच दिया आपने? अरे भाई साहब पूरा टैटू बना पड़ा पूरी बॉडी पे यार। अरे एक्सीडेंट हो गया? उंगली में सब में रॉड लगी हुई है। अरे अरे भाई रॉड लगी हुई है, चलो भाई
आंटी जी को क्या हो गया? चलो भाई जाओ, आ चुके हैं ब्लू स्ट्रीक यामा ग्लोबल के शोरूम पे। तो अभी जो बंदे गाड़ी बुक करा रहे, मुझे जान के बहुत दुख हुआ कि इनकी जो R15 बाइक थी वो ऐसे खड़े खड़े जल गई। मतलब उन्होंने वीडियो मुझे बताया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा कि इनके भाई के साथ क्या हुआ। बहुत ही बुरा लगा, इनके पास भी R15 थी तो उन्होंने रील पे डाला हुआ इंस्टाग्राम पे, ऐसे खड़े खड़े ही जल गई भाई। पता नहीं अपने सब्सक्राइबर है उनको बाइक बुक करानी R15। तो देखो गाइस, मैं बता था उनके पास जो बंदे आए हुए अपनी गाड़ी बुक कराने के लिए, उनके पास पहले थी V3, तो अचानक से वो जो है जल गई यार। देखो मैं आप लोगों को वीडियो बता देता हूँ। तो देखो भाई, ये इनकी बाइक है, पता नहीं क्या इशू हुआ, ऐसे खड़े खड़े ये गाड़ी जल गई भाई। पूरी R15 जो है डैमेज हो गई भाई पूरी तरीके से। देखो भाई, आप देख सकते हो वीडियो। तो ये जो भाई है इनकी ही बाइक है R15 V3 है ना भाई ये? देखो यार, वीडियो देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो यार मुझे तो पता नहीं चला है कैसे ये गाड़ी डैमेज हो गई। उन्होंने बोला कि यार खड़े खड़े ऐसे गाड़ी में आग लग गई, सर्विसिंग भी अच्छी चल रही थी और कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। पर कोई बात नहीं भाई, यार नई गाड़ी ले रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे भाई को। Overseas by the boatload. Yeah. You wanna ride my wave? That's a no go. Shake it, shake. Senoritas going loco. Shake it, shake. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. Yeah. They big mad 'cause they coming up short like Frodo.